घोड़ी चढ़ गया वे, तू घोड़ी है। घोड़ा हूँ मैं, घोड़ा हूँ मैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी जो टाइम हो रहा है 12:30 और हम लोग उठ गए थे लेकिन ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो अब जाके ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये यहाँ पे है मेरे साथ में और मम्मी है किचन में। यहाँ पर कौन आज बन रहा है मैंगो शेक, तो अब से रोज बनेगा मैंगो शेक जब तक आम खत्म नहीं हो जाते हैं। कल के लिए खत्म, कोई बात नहीं, कल ले आएंगे। अब से रोज बनेगा मैंगो शेक जब तक आम खत्म नहीं हो जाते हैं। कोई मिल गया, कोई मिल गया, बताओ यारो। कॉपीराइट आएगा, आया मैं आया, जल्दी जल्दी मैंगो शेक पीते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 3 hours later. तो जैसा कि मैं नहा चुका हूँ, आपको लग रहा होगा देख के, और अगर नहीं भी लग रहा है तो उसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच में नहा चुका हूँ। और यहाँ पे ये बंदा नहीं नहाया, ये देखो ये अभी कितना काला है। मैं नहाने जा रहा हूँ, देखो गाइस अभी आगे निकलूंगा, गोरे लगूंगा, मुंह पर तेल भी लगा, बालों में तेल भी लगाया मैंने इसलिए। और एक बात मेरे को और बतानी थी आपको कि कल के ब्लॉग में एक गलती हो गई थी, आप लोगों ने नोटिस कराओ नहीं कराओ, कि हमने जो 7 day ब्लॉग का चैलेंज दिया था तो कल जो था वो था 3 और मैंने गलती से स्टार्टिंग में लिख दिया 2। तो यही गलती थी क्योंकि मैं रात को एडिट कर रहा था ब्लॉग तकरीबन 1 बजे, मेरे को बहुत तेज वाली नींद आ रही थी, थका हुआ था, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा था कुछ गलती ना हो, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में गलती हो गई, 3 जगह 2 लिख दिया मैंने। और एक इंसिडेंट और है रात का, इतना मतलब मैं उसमें डर भी गया था, और कुछ फनी इंसिडेंट है बताता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं बताऊंगा अंदर वाले कमरे में, क्योंकि वो अंदर वाले कमरे में हुआ था, वो भी रात में 1 बजे। चलो अंदर। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि मैं एक्चुअली यहाँ पे बैठ के एडिटिंग करता हूँ, यहाँ लैपटॉप रखा होता है और यहाँ मैं डाल देता हूँ चेयर और यहाँ पे एडिट कर रहा होता हूँ, और ये रात को यहाँ पे सो जाता है जल्दी, 2 दिन से जल्दी सो जा रहा है। तो यहाँ पे सो रहा था और रात को टाइम हो रहा था तकरीबन 12:50, 1 बजने वाले थे, और यहाँ पे एडिट कर रहा था और पता नहीं अचानक से क्या हुआ, ये बंदा सो रहा था, एकदम उठ के बोला ये वाला सीन बढ़िया, ये वाला सीन बढ़िया, और हंसने लगा। मुझे पता भी नहीं कब बोला था, कब नहीं बोला, ऐसे जैसे सो रहा था बोल रहा ये वाला सीन बढ़िया, ये वाला सीन बढ़िया, और इतनी तेज तेज हंसाना ये, सच में एक बार आप सोचिए देखो, रात के 1 बज रहे हैं, कमरे में अंधेरा है, बस ये लाल रंग की लाइट जलती है जो वो जल रहा था, और एकदम 1 बजे उठ के चिल्ला रहा है ये वाला सीन बढ़िया, ये वाला सीन बढ़िया, और हंस रहा है। भाई मैं तो जो डर गया था ना, मैं भाई डर के मारे पहले तो मैंने इसको 1 मिनट घूर के देखा, मैंने क्या हो गया इसको, कोई भूत तो नहीं आ गया इसके अंदर। फिर मैंने इसको फिर देखा, सो गया, हाँ सो गया। फिर मैं जल्दी से ब्लॉग वो एडिट करते करते पीछे देख देख एडिट कर रहा था, मेरे को लगा भाई इसके अंदर कुछ सवाल हो गया, इसमें गड़बड़ भाई, मैं पता ही नहीं मैं कितने कैसे उठा। तो ये था इंसिडेंट, थोड़ा डरावना भी था, मुझे कुछ भी कर लो पता नहीं चलता, मुझे आप फट छोड़ फेंक दो पता नहीं चलेगा, मैं सोता रहूंगा नींद ऐसी गहरी नींद, चल कर फेंकता हूँ। तो रात को मैं रात को ब्लॉग बनाऊंगा, उसको रात को मारूंगा मैं झाड़ू से, और अगर तू उठ गया, अगर तू उठा तो मैं फिर दे, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो है टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, और अभी मैं जो है वीडियो एडिट कर रहा था, और वीडियो कौन सी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो जो है ये वाली, एक्चुअली मैं जो मेरा ब्लॉग था उसमें से मैं जो है एक शॉर्ट वीडियो निकाल रहा हूँ, इसको भी जो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड करूंगा, क्योंकि आपको पता होगा यूट्यूब का एक नया आया है फीचर यूट्यूब शॉर्ट्स करके, तो उसमें मैं ये वीडियो डालूंगा। तो अगर आपने नहीं देखी है जाके तो वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब आप ये ब्लॉग देखेंगे तब तक ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। और तो इस शॉर्ट वीडियो को जो अपलोड करते हैं, मम्मी जो खाने के लिए बुला रही है, तो चलते हैं बाहर खाना खाते हैं, देखते हैं क्या है खाने में, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है सुबह से, सच में सिर्फ मैंगो शेक पिया है उसके अलावा और कुछ भी नहीं खाया है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं खाना खाते हैं। सनी जो है अभी तक नहा रहा है, मतलब आधा घंटा तो हो चुका है उसको गए हुए बाथरूम में, अभी तक वो नहा ही रहा है, इतना नहाता है पता नहीं, वैसा नहाएगा नहीं, जब नहाएगा तो इतना नहाएगा। आज के खाने में ये है कुछ आलू की सब्जी और रोटी, शुद्ध सादा शाकाहारी खाना, और रोटी में देसी घी के साथ में, और ये नहा के आ चुका है। कितना टाइम लगा नहाने में तू है? 1.5 घंटा। वैसे नहाएगा नहीं, और नहाएगा तो इतना टाइम लगाता है? अब देख कौन हो रहा है रा? आपको बता देता हूँ 50 रुपए क्या बात थी, पूरी नहीं थी लोग ने। अच्छा वो पोल नहीं खोलना, तेरे को बोला ना पोल नहीं खोलना, गलती से लग गई मम्मी, हाथ लग गया गलती से, सॉरी बोलो सर, सॉरी बोल बड़े भाई को, मम्मी देख लो, सॉरी बोल बड़े भाई को, मेरे खाने बड़ी तेल लग गई, रोटी खाने लग गई उसके कान में। तो ठीक है, अब जल्दी आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद, बाय, आप जाए खाना खाइए। तो दोस्तों कल हमने आपको दिखाया था सनी बना रहा था मैगी, आज हम दिखा रहे हैं सनी बनाएगा चाय, वो भी मम्मी और डैडी के लिए, वो भी सरप्राइज है, उनको पता नहीं है चाय बनाने वाला है, और इसने आज तक जिंदगी में कभी चाय नहीं बनाई है कभी भी,
तो पहली बार बनाने जा रहा है, आई होप अच्छी बने, और अगर अच्छी नहीं बनी तो इसी को पिलाएंगे सारी की सारी चाय। तो चले चले जल्दी चाय बनाते हैं और मैं इसको बताता जाऊंगा कैसे कैसे बनानी है। वैसे मेरे को भी इतनी अच्छी नहीं आती है, एक दो बार बनाई है मैंने, तो देखते हैं मम्मी अच्छी चाय अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। ठीक है, पहले एक भगोना ले, भगोना ले लिया। ठीक है, उठाओ उसको, ऑप्शन शक्ल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही, तो मतलब साफ नहीं है इसको, तो अच्छे से शक्ल ना दिखे। अब कैसे शक्ल देखो, दिख रही है आपको? पानी डाल, इतना कितने लोग के लिए बनानी है? दो लोग के लिए, दो कप पानी डाल, मैं थोड़ी थोड़ी ज्यादा बनाऊंगा भाई, मैं पीऊंगा ना, दो कप पानी डाल भाई, तो खराब बन गई। जल्दी जल्दी डाल, टाइम वेस्ट मत कर। हाँ ठीक है डाल, ये डाला है एक कप, एक कप और, एक कप और डालना, डर रहा है तो और भर और भर। हाँ निकाल तुम, हाँ इसको उबाल, उबालना है। कैसे उबालना है? उबालते कैसे? मुंह से उबालो, कैसे उबाले? गैस से उबाल, गैस जला, बैठा कर देना है, ऐसे गले रख दिया मैंने। चाय निकालनी तो पड़ेगी, अभी जट पड़ेगी, पहले रख लो। हाँ अब जल्दी से भगोना रख दिया है हमने, अब क्या करना है? पानी को उबलने से डालते हैं, निकालते हैं चाय पत्ती ले, पहले दूध ठंडा, पानी चाय पत्ती, दूध थोड़ा पीछे करते हैं, दूध को अभी रोजा, दूध का भी काम नहीं है, कर दे। हाँ चाय पत्ती लेनी है, फिर चाय पत्ती ले, इसमें चाय पत्ती, अभी रोजा थोड़ा पानी हो जाए, पहले सारा सामान निकाल देना, जो चाहिए चाय पत्ती, चीनी, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, और अपनी ये अदरक चाहिए, अदरक, अदरक नहीं यार, मैं अदरक वाली नहीं पीता, देखा अदरक अच्छी लगती है, अदरक का नशा करेगा है। अखरोट लेंगे, अखरोट इसको देखिए, अखरोट नहीं लेते, क्या कहते हैं यार, ओखली 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 कहते हैं ना, अखरोट तो खाने वाली होती है। अब इसमें डेढ़ चम्मच चाय पत्ती डाल, ये छोटी वाली यार, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लो चाय बनाने का, डालना अब से रोज तू ही बनाएगा, एक चम्मच थोड़ी और भर, हाँ डाल डाल, ठीक है अबे डाल, हाँ बस रुक जा, अब चाय पत्ती रख दूँ, रुक जा, ये तो कहीं तो अपना रंग दिखाई लगी, काले काली होने लगी। गाइस आप भी कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं सब काम कर लेता हूँ, देखो पोछा भी लगा लेता हूँ, मैगी बना लेता हूँ, और हर चीज कर लेता हूँ मैं, खाली मैं बताते रहना क्या क्या करना है, और कुछ भी गलती करे तो मारना उसको, तनख्वाह मत देना, अब क्या करना है, और इसके पैसे मेरे को पिटाई नहीं लगेगी ना, भैया ने बोला चाय बना, मैंने तो बोला नहीं, सबूत है मेरे पास, प्रूफ, वीडियो प्रूफ, दूध यहाँ पे दूध डाला जा रहा है, ये डाल दिया दूध, और चाय कुछ अच्छी दिखने लगी है, चीनी डालनी है, और बीच में रुकावट के लिए किए थे क्योंकि बीच में कॉल आ गया था, चीनी रुक जाएगी, फिर डाल दे चीनी, डालने डालनी तो डाल दे चीनी, बढ़ा देंगे यहाँ पे, चीनी खोली, इसको डाल दे, चीनी चाय पत्ती दूध डाल चुके हैं, अब अदरक भी डालेगा, अदरक भी डालेंगे। 75 years later. तो गाइस हमारी चाय एकदम बन चुकी है, रेडी वेडी, तुम देखो कैसी लग रही है, मस्त एकदम हो गई है, पता नहीं कैसी बनी है, ऐसी दिख रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ा दूध ज्यादा डाला, मैं कैमरा पकड़ चाय में डालती हूं, हां मेहनत गिरा देगा दीदी, तो देखिए एंड में चाय जो डालेगा उसमें चाय बनाइए, ओ वाह, ठीक है, वाह वाह वाह, मेरे पास सबूत है, सबूत सबूत मांगता है, हमें तो आता ही, हमें तो पता ही नहीं था, बस अब दूसरा भरे जाए, दो ही कप बनी है भाई, थोड़ी सी ज्यादा बनी है, दो कप और थोड़ी सी ज्यादा, हमें परफेक्ट बनी है, हमें लगा ज्यादा हो जाएगी, एकदम परफेक्ट बनी, तो अब लेते हैं मम्मी का रिएक्शन कि उनको सनी की चाय कैसी लगी, फर्स्ट टाइम जो उसने बनाई है, ठीक है जब इन चाय को लेके चलते हैं मम्मी के पास, तो गाइस भैया जा रहा है अभी चाय कप में लानी है, उसमें कटोरी में ले लो बना दी, डैडी को चाय पीनी नहीं है, नुकसान है, डैडी एक्चुअली भी लेट हो रहे हैं इसलिए, तो मम्मी कर रही है फोन में बात, इतने में चाय ठंडी हो जाएगी, तो क्या करे, क्या करूँ, मर जाऊँ, मेरे को फीलिंग नहीं है, मेरी कोई फीलिंग करूँ मैं मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, लड्डा कुत्ता टोमी हमारा, लड्डा कुत्ता टोमी हमारा कुत्ता कुत्ता,
तो फाइनली मम्मी हमारी यहाँ पे और सामने रखी चाय। मम्मी इतनी देर के बाद आई मम्मी, ठंडी भी हो गई होगी, बताना कैसी है, कुछ ना कुछ तो कमी होगी, बताना ठंडी हो गई। मैंने बनाई मम्मी, मैंने बंद कर नल, हल्की सी मीठी है, मीठी है, मीठी है? मैंने भी मेरे को तो मेरे को फीकी लगी, नहीं बहुत अच्छी बढ़िया टेस्ट। देखो मैं झूठ झूठ नहीं सच बताओ, हल्की सी मीठी है, हल्की मीठी, हमें चीनी का चीनी डालने वाले थे, मेरे को फीकी लग रही थी, मैं तो और चीनी डाल रहा था। चलो फाइनली मिशन पास, डेडी लेट हो रहे थे, चले गए, कह रहे बाद में पी लूंगा, मिशन पास, रिस्पेक्टिव प्लस। थोड़ी सी पत्ती भी कम रही है, अब मम्मी यहाँ पे उसको ठीक कर रही है चाय को। तो अब रोज से सनी चाय नहीं बनाएगा, सनी रोज चाय नहीं बनाएगा, अब मैं पीऊंगा। तो मेरा फॉर्मूला यह है, कोई भी अगर आपको काम करने के लिए बोल ले तो उस काम को ऐसे करो कि दोबारा ना बोले, मतलब उस काम को इतना गंदा करो कि बंदा दोबारा काम करने के लिए ना बोल पाए, है ना। मेरा तरीका तो यही है, जो काम कर, जो मैं काम करने को बोलता है सारा ब्लॉक खराब कर देता है ये मेरा। ये देखो फरामोशी, नहीं देखो देखो नहीं, मेरा ये वो है, देखो कि पहले काम बिगाड़ दो तुम्हारा कोई कहेगा नहीं, बंदे कोई काम, अच्छा सुनो, कोई काम के लिए बोलेगा और अगर उस काम को तुम अच्छे से कर दो तो वो बंदा बार बार काम के लिए बोलेगा, ये तो वो एक बार काम चाहिए, अच्छा काम करता है। अगर कोई काम दे उसको इतना खराब करो वो बंदा सोचेगा नहीं यार काम इसको नहीं दूंगा, बस जाओगे काम करने से, है ना। तो आलसी लोगों के लिए ये फॉर्मूला है मेरा, इसको अप्लाई करके देखना, बहुत खुश रहोगे। बहुत खुश रहोगे, चल गया मैं रोटी, चल गया मैं विक्रम, ये मेरा बेताल, चल वे घोड़ी चढ़ गया, तो घोड़ी है, घोड़ा हूँ मैं, घोड़ा हूँ मैं, घोड़ा। तो दोस्तों भी जो है टाइम हो रहा है रात के 10:30 और हम सब लोग जो खाना खा चुके हैं और अब जो है मैं सोचा कि ना ब्लॉग को जल्दी एडिट कर लिया जाए क्योंकि रात को बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, तकरीबन 2 घंटे तो एडिट करने में लग जाते हैं और 1 घंटा जो एक्सपोर्ट करने में लग जाता है, उसके बाद अपलोड करने में अलग टाइम लगता है। तो इसे ब्लॉग को जो है एंड कर देते हैं, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, हाँ था इसका, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।